व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और बिल्कुल डिटेल्स तरीके से मैं ये बताने वाला हूं, अगर आप लेना चाहते हैं DJI Ronin Sc तो इसका क्या फंक्शन है, इसको कैसे सेटिंग करना पड़ता है, वह इसका क्या प्राइस है और ये कितना मतलब मज़ेदार चीज़ है, उसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो एक्चुअली इसका बॉक्स आप देख सकते हैं, इसका लुक, ये आगे का और पीछे का लुक आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग बॉक्स है। और इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले दो लॉक ओपन करना पड़ता है। ओके, सो ये मैंने दो लॉक ओपन कर दिया। और इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एक्चुअली इसके अंदर जो भी है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो ये है हमारा DJI Ronin Sc मिनी वर्सन, यानी कि छोटा। ये दो तरह का मिलता है, एक बड़ा और छोटा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो एक्चुअली ये है हमारा बैटरी, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बैटरी। इसके अंदर बैटरी फिट हुआ है और आपको इसके अंदर सेटिंग करना पड़ता है सब कुछ। और ये है हमारा स्टैंड, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप इस तरीके से रखेंगे, कहीं पर खड़ा करके रखेंगे तो आप इसको इस तरीके से नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले आप इसको अगर लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले लॉक कर लेते हैं। तो ये हमारा बन गया स्टैंड, अब हम कहीं पर भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। ओके गाइस, और हमारा जो गिम्बल, इसको आप गिम्बल भी कह सकते हैं एक्चुअली। और ये हमारा जैक, यानी कि इसको चार्ज करने के लिए USB जैक। तो इसका चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें मिलेगा। और ये है हमारा सबसे बड़ा वो, जिसमें आप अपने कैमरे को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। और ये काफ़ी हार्ड होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको खरीद रहे हैं तो इसको अगर सेटिंग करने जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एक्चुअली मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो किस तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप अपने कैमरे को जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा लॉक और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने कुछ इस तरीके से लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक को आपको ऑफ करके रखना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया ऑफ, ये अब ओपन नहीं होगा और किसी भी तरीके से हम इसको जो है रख सकते हैं। एक्चुअली इसमें आपको और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ आपको और क्या क्या मिलता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि अगर आप कैमरे के साथ साथ अपने मोबाइल पर भी शूट करना चाहते हैं तो इसको भी आप अपने गिम्बल पर सेट कर सकते हैं। इस जगह पर भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, या चाहे तो आप कैमरे के ऊपर में भी सेट कर सकते हैं। सो इसका आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने मोबाइल के कैमरे के साथ साथ अपने मोबाइल पर भी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे लॉक वगैरह है और कुछ यहाँ पर स्क्रू वगैरह दिया जाता है अगर आप इसको खोलना चाहते हैं, जैसे कि इस साइड को खोला जाता है या इस साइड को भी आप खोल सकते हैं, तो दोनों साइड में आप खोल सकते हैं। और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो है ये, आप यहाँ से अपने गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसका फंक्शन है, जो मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने ख़रीदा था तो इसको सेटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, अगर आपने वीडियो मेरा देखा है, ब्लॉग वीडियो, तो उसमें हमने बताया था। और भी बहुत कुछ आपको जैक वगैरह मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको सेटिंग कैसे करना है। तो एक्चुअली गाइस हम इसके बारे में बताना बिल्कुल भूल गए थे, क्योंकि ये हमारा प्लेट जिसके बिना आप कैमरे को जो है बैलेंस नहीं करा सकते। तो मेरा जो कैमरा है वो है कैनन 200D और इसका जो लेंस है वो है 250mm का। तो अभी हम इसके साथ सेटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो एक्चुअली ये इतना अच्छा बैलेंस करता है, अगर आप ढक्कन लगा के इसको बैलेंस सेटिंग करेंगे और कैमरा करने के टाइम अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप अपने कैमरे को बैलेंस में ले नहीं आ सकते। तो एक्चुअली जब भी आप सेटिंग करेंगे तो ढक्कन वगैरह ओपन करके या आपका जो स्क्रीन है उसको आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे रखने के बाद ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो डिसबैलेंस हो सकता है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो हमारा प्लेट है इसको आपको सबसे पहले नीचे के हिस्से में लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम इसको इस तरीके से रख के, तो ये मैंने टाइट कर दिया है। अगर आपका कैमरे का वजन 2 किलो से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हैवी, ठीक है, तो आपको हैवी में रखना पड़ेगा। और अगर हल्का है, जैसे कि छोटा 55mm का अगर आपका लेंस है तो आप जो है लाइट में भी रख सकते हैं, यानी कि लाइट में। तो हमारा हैवी है तो हमें हैवी पे रखना है और रखने के बाद इसको जो है टाइट कर देना है कॉइन की मदद से। तो अभी मैं कॉइन की मदद से इसको टाइट कर दिया और टाइट करने के बाद अभी ये हमारा रेडी है। और एक्चुअली इसको हम साइड में रख देते हैं, सबसे पहले गिम्बल के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 लॉक्स। सबसे पहले मैं आपको एक लॉक के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉक है, ठीक है, ये एक लॉक है और ये लॉक आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा लॉक जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ऑफ ऑन, यहाँ पर दूसरा लॉक। और जो तीसरा लॉक है वो है इस जगह पर, यह है तीसरा लॉक। तो सबसे पहले हम तीनों लॉक को ओपन करेंगे। ओके, सो ये लॉक तो हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया। इस लॉक से आपको क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा घूम जाता है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस लॉक को ओपन करेंगे और इस लॉक को ओपन कर दिया, देख सकते हैं ये पूरा घूम रहा है।
और अभी इस लॉक को ओपन करना बाकी है। हम यहाँ से इस लॉक को ओपन कर देते हैं, देख सकते हैं ये लॉक मैंने ओपन कर दिया। हाँ, ये मैंने पूरा लॉक ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा घूम जाता है हर साइड से। तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें इस नीचे वाले लॉक को मतलब ओपन नहीं करना है, इसको लॉक कर देना है सबसे पहले। और ये जो है आपका फ्रंट साइड है, यानी कि ये सामने का साइड। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, देख सकते हैं ऑन ऑफ। यहाँ पर मेनू मिल जाएगा आपको, और ये आपका गिम्बल आप किस साइड से घुमाना चाहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे आगे। उससे पहले मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से बता देता हूँ आपको। और एक बटन मिल जाता है जो कि है यहाँ पर पावर बटन, ठीक है। आप यहां से जो है पावर बटन को दबाकर आप इस गिम्बल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहां से आप अपने वीडियो को चालू कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सामने एक ऑप्शन है जो अपने गिम्बल को आप सही पोजीशन पे खड़ा कर सकते हैं। इसको दो बार दबाते हैं तो अलग ऑप्शन आता है, और एक बार दबाते हैं तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फ्रंट साइड में इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, और ये जो नीचे का लॉक है इसको लॉक कर देते हैं, और ये अभी घूमना बंद हो जाएगा, ये लॉक हो चुका है। और अभी हम इसको अपने हिसाब से ले लेते हैं, और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम इसको भी लॉक करेंगे, ये जो लॉक है इसको भी लॉक कर देते हैं, ये लॉक हो चुका है। अभी ये जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये कैमरा को जो है बैलेंस कराना पड़ेगा। उससे पहले ये भी देख लीजिए, यहाँ पर और एक लॉक आपको मिल जाता है, और ये जो है यहाँ पर और एक लॉक है जो आगे पीछे होता है, ठीक है। ये आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर और एक लॉक है जिस लॉक से आप इस प्लेट को आगे ऊपर और नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेना पड़ेगा, नहीं तो आप जब खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये कैसे क्या काम करना पड़ता है। और भी एक लॉक है यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा का पूरा आगे पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक इंच का बात होता है, यानी कि एक इंच भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आपका गिम्बल आप सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अब इसको सेटिंग करते हैं, सारे चीज़ को लॉक कर देते हैं। और ये जो हमारा कैमरा है कैनन 200D, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके इसको सेटिंग करेंगे, और सेटिंग करके आपको दो एक वीडियो भी इसका मैं दिखाऊंगा। तो इसको मैं इस तरीके से अभी लॉक कर दिया। अभी सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बैलेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको और एक लॉक के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर और एक लॉक है, आप देख सकते हैं छोटा सा लॉक। अगर आपका बैलेंस बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये पीछे जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे तो देखिए एक्चुअली ये सही आ रहा है। थोड़ा आगे कर दिया तो ये आगे की तरफ झुक रहा है, तो एक्चुअली हमें बिल्कुल सही लेंथ पर लेना है, तो ये स्ट्रेट हो गया है। अब हम इसको कर देंगे लॉक। ये लॉक क्यों किया मैंने, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो छोटा सा लॉक है ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर आपको कभी भी ये DSLR ओपन करके चार्ज वगैरह देना हो तो आपको सिर्फ इसको ओपन करना नहीं है, नीचे वाला ये लॉक को ओपन करके आप DSLR को बाहर करके फिर से इसको चार्ज वगैरह करके लगा के सही कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा लॉक बिगाड़ देंगे तो आपको फिर से सही तरीके से इसको सेटिंग करना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो दूसरा काम है अब हो चुका है लॉक। अब हम जो करने वाले हैं वो है इसको हम ऊपर साइड में लेंगे और देखेंगे ये सही बैलेंस कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये ऊपर की साइड बैलेंस नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक्चुअली इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके इसको सही बैलेंस कराने की कोशिश करेंगे, ओके। तो देख सकते हैं फाइनली ये पोजीशन पे ये ऊपर साइड में खड़ा हो रहा है, और अभी मैं इसको कर दूंगा लॉक। और जब भी मैंने लॉक कर दिया, अब देखिए जहां पर भी मैं कैमरा को रखूंगा वहां पर वो रह जाएगा। देखिए ऐसे रह गया, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे रखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो कैमरा है वो सही पोजीशन पे आया है। अब आपको करना क्या है, अब इसको इस साइड में जो लॉक है इसको आपको ऑन है लॉक, तो इसको आपको लॉक कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा लॉक का काम है, यानी कि इस लॉक को हम ओपन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लॉक को ओपन करेंगे, ठीक है। इस लॉक को ओपन करते ही देखिए ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये देखिए पूरा डिसबैलेंस हो गया। तो इसको अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस सही नहीं है। इस बैलेंस को सही करने के लिए आपको जो करना है वो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लॉक है। अब हम इस लॉक को ओपन करेंगे और ओपन करके इसको सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये बाहर आएगा। एक्चुअली ये बाहर आना चाहता है, तो देखिए ये थोड़ा बाहर कर दिया, तो देखिए ये ऑलरेडी इधर आप झुक रहा है, यानी कि थोड़ा सा अंदर जाएगा। मैंने ज़्यादा बाहर कर दिया, इस लॉक को आपको यहाँ से दबाना है, मैंने दबा दिया तो देखिए ये बाहर जा रहा है, और थोड़ा ज़्यादा बाहर कर लिया तो ये देखिए एक्चुअली अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना सेटिंग कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही। इसको अच्छे तरीके से लॉक को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं, ओके, और इधर बाहर जा रहा है यानी कि थोड़ा अंदर जाएगा। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही पोजीशन पे खड़ा कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इंच पे हमने खड़ा किया है। यहाँ पर आपको हर इंच जैसे कि हमारा स्केल में मिलता है वैसे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने किस जगह पर इसको सेटिंग किया है, देख सकते हैं बिल्कुल 2.5
5 पर जाकर हमने इसको खड़ा कर दिया है, तो एक्चुअली ये बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया है। अब हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर दिया और ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम इस लॉक को जहाँ पर हमने ओपन किया था और ये हमने लॉक किया था, तो इसको भी हम अनलॉक कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये गिम्बल आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी कि हमारा ये सही तरीके से सेटिंग नहीं हो पाया है। तो आपको फिर से अच्छे तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन है जो लॉक करके मैंने पहले रखा था, तो इसको अभी ओपन कर देते हैं। तो एक्चुअली देख सकते हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मुझे फिर से इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए और एक बार मैं अच्छे तरीके से सेटिंग करता हूँ, फिर इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली गाइस हमने बैलेंस कर लिया है, और अगर आपका बैलेंस थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम ऐसे होगा। मेरा भी थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ रहा था, तो एक्चुअली अभी भी देख सकते हैं सही है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो चलो नो प्रॉब्लम, अब हम इस गिम्बल को ओपन करके दिखाने जा रहे हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने दबा कर रखा, इसका आवाज़ आपको सुनने को मिल गया होगा। तो एक्चुअली ये रेडी हो चुका है, और यहाँ से होता है वीडियो ऑफ ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे इस कैमरे पे नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे जो जैक चाहिए वो नहीं है मेरे पास फिलहाल, इसकी वजह से ये रेडी नहीं हो पाया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको आगे पीछे करके। सबसे पहले यहाँ पर एक बटन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको दो बार दबाऊंगा तो ये कैमरा अपनी खुद की पोजीशन पर आ जाएगा। ये देखिए ये उसका खुद का पोजीशन है। और अगर हमें कैमरे को राइट लेफ्ट अप डाउन करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन से अगर आप इसको राइट में देते हैं तो राइट में कैमरा घूमता है, अगर लेफ्ट में देते हैं तो लेफ्ट में कैमरा घूमता है, ठीक है। और अगर आप में करना चाहते हैं तो आप, और नीचे करना चाहते हैं तो नीचे, यानी कि डाउन, अप डाउन, आप जैसे आपके मर्जी आप वैसे कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ता है, और चाहे तो आप अपने इस गिम्बल को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका भी वीडियो शायद आपको फास्ट में देखने को मिल गया होगा। और दूसरा जो चीज़ है वो सबसे बढ़िया है, आप इसको हाथ में अगर लेते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, और ऑफ करने के बाद देखिए जैसे कि कैमरे को मैं आगे पीछे करता हूँ तो कैमरा अपने पोजिशन पर रहता है, कभी भी आगे पीछे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, और अभी इसका दो एक शॉट में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो देखो ये जितना भी आप हिलाना चाहते हैं हिला सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके का कोई भी कैमरा ख़राब नहीं होता है। एक्चुअली ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होता है, और इसके साथ मैंने दो एक वीडियो भी बनाया है जो मैंने आपको ऑलरेडी फास्ट में दिखा दिया है, और कुछ वीडियो शूट अभी मैं करने वाला हूँ बाहर जाकर, और आपको दिखाने वाला हूँ इसका क्या क्या शॉट कर सकते हैं। एक्चुअली सब कुछ तो मैं आपको इसमें नहीं दिखा सकता, अभी मैं चलिए दिखा देता हूँ कि मोबाइल से आप इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी जो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होता है वो हो रहा था इस मोबाइल से, लेकिन एक्चुअली अभी आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रोनिन, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ता है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। और अभी यहां पर जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहां पर हम इस मोड पर जाएंगे, और इसको जब भी हम ऑन कर देते हैं तो एक्चुअली देख सकते हैं ये कैमरा अभी मोबाइल के साथ साथ कंट्रोल होगा। तो देखिए मैं मोबाइल को आगे कर रहा हूं तो ये कैमरा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कर रहा हूं तो ये नीचे हो रहा है, अगर ऐसे घुमाता हूं तो ये पूरा 60 डिग्री घूम जाता है। यानी कि एक्चुअली आप इस मोबाइल से आप पूरे कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको हिला रहा हूं तो ये देखिए ये हिल रहा है, और अगर मैं इस पर आगे करता हूं तो ये आगे आ जाता है, अगर पीछे जाता हूं तो पीछे जाता है। यानी कि मोबाइल से आप अपने पूरा गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप अपने कैमरे को कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है, जब तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो चलिए आप इसको हम कर देते हैं ऑफ, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसका कितने परसेंट चार्ज है, बैटरी चार्ज वो भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 98% इसका चार्ज है, वो आपको सब कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ से आप इसको काम पे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली सब कुछ दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखाया। सो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा इसके ऊपर। अगर आप गिम्बल को पावर बटन ओपन करते हैं, यानी कि ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आप अपने कैमरे पे हाथ नहीं दे सकते हैं या इसको हिला नहीं सकते हैं, ठीक है, लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हैं। आप अगर कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ करके फिर आप पूरा सेटिंग कर लेने के बाद आपको ये ऑन करना पड़ेगा। अगर ऑन करके आप किसी भी जगह पर टच करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं, लॉक अनलॉक करते हैं, तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है गिम्बल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ कभी कभी हो सकता है गलती से, ऐसा बात नहीं कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते, लेकिन मत देना, क्योंकि इस तरीके से अगर आप ऑन करके इस तरीके से हिलाते हैं, हाथ देते हैं, कुछ भी इधर उधर करते हैं, तो ज़्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है। ये सबसे पहला बात है। दूसरा बात, अगर आप अपने कैमरे की बैटरी को चार्ज देना चाहते हैं तो कैसे आप ओपन करेंगे? सबसे पहले जो लॉक्स हैं उस लॉक को हम ऑफ कर देंगे, सबसे पहले हम ऑफ कर देंगे, तीनों लॉक को ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो ये
बटन है, इस बटन को आपको सबसे पहले हल्का कर लेना है, ढीला कर लेना है, और ढीला कर लेने के बाद आपको इस जो ऑप्शन है इसको दबा के इसको पूरा पूरा बाहर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप बाहर कर लीजिए। तो एक्चुअली आप इसको ओपन करके बैटरी चार्ज वगैरह देकर फिर इसको आप सेटिंग करके लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इस तरीके से अपने गिम्बल को रख सकते हैं, और चाहे तो आप पूरा लॉक को ओपन करके भी, फोल्ड करके भी आप अपने बॉक्स के अंदर या कहीं पर टेबल पे वगैरह पे रख सकते हैं। तो एक्चुअली मैं ऐसे ही रखता हूं, और ताकि हमें ज्यादा बार इसको सेटिंग नहीं करना पड़ता है, बैलेंस नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, तो अभी मैं इसको लेकर जा रहा हूं बाहर, कुछ वीडियो शूट करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा इसका कितना खासियत है और मजेदार काम करता है ये। यार चलो आप इसको ले जाते हैं बाहर, और बाहर में जाकर दो एक शूट करते हैं इसके साथ, गिम्बल के साथ, और मैं आपको दिखाता हूं कि कितना मजेदार शूट करता है ये गिम्बल। तो चलो देखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इसकी वजह से इतना वीडियो लंबा हो गया। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना, और यार लाइक तो जरूर कर देना, और साथ साथ चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मेरा स्पेशल कुछ वीडियो आता है मैजिक रिलेटेड और ब्लॉग रिलेटेड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।